बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग तीन के बारे में परिचर्चा करेंगे। भाग तीन जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें मौलिक अधिकार क्यों चाहिए, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है और मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार के स्रोत क्या है, इन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लें, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिस अधिकार के बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब जिस अधिकार के बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है, उस अधिकार को हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा संविधान के भाग तीन में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भारत के मौलिक अधिकार का स्रोत अमेरिका के संविधान का बिल ऑफ राइट्स है। मतलब मौलिक अधिकार को लागू करने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यद्यपि अमेरिका के मूल संविधान में भी मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा नहीं था, अमेरिका ने अपने संविधान के 10वें संशोधन के द्वारा अपने देशवासियों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था। मौलिक अधिकार के इतिहास की बात करें तो मौलिक अधिकार का प्रादुर्भाव सबसे पहले 1215 ईस्वी में 15 जून 1215 ईस्वी को इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा अपने देशवासियों को कुछ अधिकार दिया गया था। इंग्लैंड की जनता को इंग्लैंड के राजा के द्वारा 15 जून 1215 ईस्वी को एक अधिकार दिया गया था। उस अधिकार को मैग्ना काटा के नाम से जानते हैं, मैग्ना काटा के नाम से जानते हैं, और मैग्ना काटा का शाब्दिक अर्थ होता है महाअधिकार पत्र। तो मूल अधिकार का प्रारंभ शुरुआत इंग्लैंड से इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा 15 जून 1215 ईस्वी को अपने जनता को दिया गया एक महाधिकार पत्र। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित संविधान सभा के द्वारा बना। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए अनेक सारे समितियों का गठन किया गया था, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनता के हितों को ध्यान में रखने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा में एक मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया था। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हीं के देखरेख में भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि भारत की जनता को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत की सबसे प्राचीन पार्टी है, तो 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी और संविधान सभा में मौलिक अधिकार के स्वरूप को पंडित नेहरू ने तैयार किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। हमारे मूल संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी, तो मूल संविधान में जनता को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में जनता को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन थे, तो पहला था समता का अधिकार। मतलब कानून की नजर में सभी समान हैं,
चाहे वह भिखारी हो चाहे वह प्रधानमंत्री हो, कानून के सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, मतलब बराबरी का अधिकार। इसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं, सभी व्यक्ति सभी प्रकार के काम को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिस काम को राज्य सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है उस काम को नहीं कर सकते, वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शोषण के कई रूप हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म में विश्वास करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, हर व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार अपने संस्कृति के अनुसार अपने धर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का, प्राप्त करने का अधिकार है, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 29 से 30 में। छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 31 में था। और सातवां जो मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में। लेकिन इन सात मौलिक अधिकारों में से ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था, 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में बदलाव। समय के अनुसार जिस प्रकार से हमारे कोई कपड़ा पुराना पड़ जाता है तो उसे हम अपने शरीर से उतारकर परित्याग कर देते हैं, उसके जगह नए कपड़े का, नए वस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के भाषा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में हटा दिया गया और वर्तमान समय में संपत्ति का जो अधिकार है वह कानूनी अधिकार है और संपत्ति के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300A या 300 क में। अब है दूसरा प्रश्न, तो संपत्ति, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, उपयोग के आधार पर भारत में, भारत के संविधान में दो शब्द का प्रयोग होता है। संविधान में कहीं कहीं व्यक्ति शब्द का प्रयोग होता है और कहीं कहीं नागरिक शब्द का प्रयोग होता है। जब आप मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो दो शब्द मिलेगा मौलिक अधिकार में, नंबर एक नागरिक, नंबर दो व्यक्ति। तो मन में प्रश्न होगा नागरिक किसे कहा जाएगा, व्यक्ति किसे कहा जाएगा। तो नागरिक उसे कहा जाएगा जो व्यक्ति संविधान में वर्णित सभी प्रकार के अधिकारों को पूरा पूरा बिना किसी रुकावट के प्रयोग कर सकता है। और व्यक्ति उसे कहा जाएगा जो संविधान में वर्णित सभी अधिकारों का पूरा पूरा प्रयोग नहीं कर सकता है। मतलब व्यक्ति शब्द का प्रयोग विदेशी के लिए किया गया है और नागरिक शब्द का प्रयोग भारत के निवासियों के लिए किया गया है। तो मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारत के लोग ही उपयोग कर सकते हैं, विदेशियों को उन अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे भारत के लोग भी प्रयोग कर सकते हैं और विदेशी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को या केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला या प्रयोग किया जाने वाला मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कौन कौन है, तो अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 जो कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा,
यह केवल इंडियन के साथ होगा, किसी विदेशी के साथ नहीं होगा। हम विदेशी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में चाहे भारत के कोई भी व्यक्ति, चाहे जाति जो हो, धर्म जो हो, लिंग जो हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन विदेशी के साथ हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, हम इंडियन हैं, हम भारत के नागरिक हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके बस सकते हैं, लेकिन यह अधिकार विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 29 अपने संस्कृति के अनुसार अपने शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार, यह विदेशी को प्राप्त नहीं है। और अनुच्छेद 30 संपत्ति का अधिकार, भाषा का अधिकार, यह केवल इंडियन को है, विदेशी को नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जिसका प्रयोग विदेशी भी कर सकता है, जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, इसमें वर्णित है। तो विदेशी भी कानून के नजर में समान है और इंडियन भी कानून के नजर में समान है। अनुच्छेद 20 एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दिया सकता, यह इसका प्रयोग विदेशी भी कर सकता है और इंडियन भी। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, विदेशी को भी है और भारतीयों को भी। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 22 पुलिस अपराधी को पकड़ती है तो 24 घंटा के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश किया जाना अनिवार्य है, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह विदेशी हो। अनुच्छेद 23 बिना मजदूरी दिए श्रम करवाना दंडनीय अपराध है, यह विदेशी के साथ भी लागू होता है, भारतीय के साथ भी लागू होता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम रोक की बात करता है, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। 25 धर्म को आंख बंद करके मारने की आजादी। तो इस तरह से अनुच्छेद 14 20 21 21 ए 22 23 24 25 26 27 28 यह ऐसा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग भारतीय भी कर सकता है और विदेशी भी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 15 16 19 29 और 30 मौलिक अधिकार का ऐसा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग केवल और केवल भारतीय नागरिक ही कर सकता है। अगले वीडियो में हम लोग समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था मौलिक अधिकार, और जिसका वर्णन भाग 3 में है, और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।